ठीक है, इफ सिक्स मैन एंड एट वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 13 मैन एंड 24 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 4 डेज, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेली वर्क डन बाय अ मैन टू दैट ऑफ अ वुमेन? इज इट क्लियर? चलो अच्छा, डी बोल रहे हैं तो इसको कैसे करेंगे, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, ठीक है? दो चीजें आपके समझ में आनी चाहिए, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, एज अ नोट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर जो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले क्या है, टाइम एंड वर्क में ऑल कैलकुलेशंस आर डन ऑन वन डे वर्क। सबसे पहले तो सारी कैलकुलेशंस भैया वन डे वर्क के साथ होती हैं। दूसरा क्या होगा, वन डे वर्क का रेसिप्रोकल ऑफ वन डे वर्क, रेसिप्रोकल ऑफ वन डे वर्क विल गोइंग टू गिव यू नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, एंड वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा का मतलब है इसका उल्टा भी, अगर आप नंबर ऑफ डेज का उल्टा लोगे तो विल गेट वन डे वर्क, ठीक है? तो हमें दिया क्या है, सोल्यूशन में ध्यान से देखना, सिक्स मैन एम लिखूंगा मैं प्लस 8 वुमेन डब्ल्यू लिखूंगा, अगर ये लोग मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे काम, 10 डेज में, एक कंडीशन ये दी है। मैं इसके साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू कैलकुलेशन, मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा, ऑल कैलकुलेशन आर डन ऑन वन डे वर्क, तो ये इनके टोटल नंबर ऑफ डेज हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज के साथ मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता। किसी भी काम को ये लोग 10 दिन में पूरा करेंगे जब 6 आदमी और 8 औरतें मिलकर काम करेंगी। उसके अलावा दूसरी कंडीशन ये दी है कि 13 आदमी प्लस 24 औरतें अगर मिलकर काम करेंगी तो ये लेंगी 4 दिन, ठीक है? तो ये दो कंडीशंस दी हैं, फिर आपको मैन और वुमेन का रेशियो निकालना है। कैलकुलेशन किस में करूंगा, मैं फिर से लिख रहा हूँ उसको, 6 मैन प्लस 8 वुमेन का वन डे वर्क कितना जाएगा, 1/10, ये सारे वन डे वर्क हैं, वन डे वर्क, और सारी कैलकुलेशन इन्हीं के साथ होती है। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ, 60 मैन प्लस 80 वुमेन इज इक्वल टू 1, ठीक है? ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई आपके पास, ओके? इसके अलावा क्या दिया है, सपोज इक्वेशन ए है, ठीक है, इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है, 30 मैन प्लस 24 वुमेन का वन डे वर्क कितना जाएगा, 1/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, सो 13 × 4 विल बी 52 मैन, ओके, प्लस 24 × 4 96 वुमेन इज इक्वल टू 1, ये आपकी अगली इक्वेशन, इक्वेशन बी। इन दोनों इक्वेशन में अगर आप इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को देखोगे तो उनके राइट हैंड साइड 1 है, तो जिसके राइट हैंड साइड सेम है वो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाते हैं, ठीक है? तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी के राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड विल ऑल्सो गोइंग टू बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए इज इक्वल टू 2 है और बी इज इक्वल टू भी 2 है तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, समझ में आ रहा है? उसी तरीके से अगर 60 मैन प्लस 80 वुमेन, 60 मैन प्लस 80 वुमेन इज इक्वल टू 1 है, उसके साथ साथ 52 मैन प्लस 96 वुमेन इज इक्वल टू 1 है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हो। देयरफोर फ्रॉम ए एंड बी क्या जाएगा, 60 मैन प्लस 80 वुमेन इज इक्वल टू 52 मैन प्लस 96 वुमेन, ठीक है? बस अब इसको सॉल्व करना है, बस अब तो ये सब आ चुका है, मैन और वुमेन में इक्वेशन आ चुकी है, अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व ही करना है। सो मैन को एक तरफ ले लो तो 60 मैन माइनस 52 मैन इज इक्वल टू 96 वुमेन माइनस 80 वुमेन, ठीक है? सो 60 माइनस 52 कितना हो गया, 60m माइनस 52m कितना हो गया, 8m, ऐसे 8m इज इक्वल टू, और क्या दिया है, इसके अलावा क्या दिया है, वेट, इसके अलावा दिया है 96 वुमेन माइनस 80, 96 माइनस 80, 96 माइनस 80, ठीक है? ये वुमेन दिया है तो 8 मैन इज इक्वल टू 16 वुमेन, ठीक है? तो
तो आपको किसका रेशियो निकालना है, आपको मैन टू द वुमेन का रेशियो निकालना है। सो एम अपॉन डब्ल्यू विल बी नथिंग बट 60/8, 8 वन ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, सो मैन इज टू वुमेन विल गिव यू 2:1। इसको समझने के लिए प्लीज़ वॉच वन ऑफ माई लेक्चर इन यूट्यूब, जिसमें मैंने टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया है, ठीक है। टाइम एंड वर्क वाला सेशन आप लोग ज़रूर देखिएगा, इवन फैक्टराइजेशन वाला सेशन भी मैंने कराया है बच्चों को। बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर फैक्टराइजेशन कराइए, फैक्टराइजेशन कराइए, दैट दैट टू आई हैव डन विथ माई स्टूडेंट्स।